ऑल ऑफ यू। बट लास्ट असी चैप्टर स्टार्ट किया स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। अब असी नैक्सट अगे पढ़ा सही पढ़ा वह प्लैनेट्स पढ़ रहे थे। असी नैक्सट प्लैनेट असी पढ़ना अर्थ, ठीक है, जिन्हें तुसी पृथ्वी बोलते हो। द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम ऑन विच लाइफ इज़ नोन टू एग्जिस्ट। ये ओनली प्लैनेट आ सोलर सिस्टम का जिथे लाइफ एग्जिस्ट करती है। इट इज़ एट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सो इट हैज़ सम स्पेशल एनवायरमेंटल कंडीशंस लाइक द टेंपरेचर भी राइट, वाटर प्रेजेंट आ, सूटेबल एटमोसफेयर, ब्लैंकेट ऑफ ओजोन लेयर प्रेजेंट होंगी है। दीज आर रिस्पोंसिबल फॉर द एग्जिस्टेंस एंड कॉन्टीन्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, इस करके ये चीज़ा सारिया रिस्पोंसिबल आ ताकि जी इतने लाइफ जी कॉन्टीन्यू चलती आ रही है। फ्रॉम द स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू ग्रीन इन कलर ड्यू टू रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम वाटर एंड लैंड मास ऑन इट्स अर्थ। स्पेस तो जो असी धरती में देखिए तो सानू जी धरती की गोल आकार है जो दिखाई देता वो कलर जरा ब्लू, ठीक है, ब्लू ग्रीन कलर दिखाई देता क्योंकि वो रिफ्लैक्शन जी पैंती है। उ वाटर भी प्रेजेंट आ साढ़े इतने लैंड मास प्रेजेंट आ ग्रीन वगैरह। सो द मून नैक्सट ये आ जाता अगे बेटा नैक्सट द मून इज़ द नैचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ की जी नैचुरल सैटेलाइट आ वह कौन आ मून। वन मार्क्स का बेटा आंसर है क्वेश्चन बनता थोड़ा, सो यू हैव टू नो अबाउट। ओके अगे आ जाता बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज़ नॉट परपेंडिकुलर बट टाइटल एट एंगल ऑफ 23.5 डिग्री टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। द टिल्ट इज रिस्पॉन्सिबल चेंज ऑफ सीजन ऑन द अर्थ। अर्थ टेक्स 365.5 1/4 डेज फॉर द वन रेवोल्यूशन अराउंड। धरती जी सूरज के घूमन वाले 365 दिन लगाती है, ठीक है, एंड 24 आवर्स टू रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस। अपनी एक्सिस के दुआले घूमना आज जिदा धरती सी, ठीक है, गोल धरती है, इस धरती ने अपनी एक्सिस के दुआले घूमना इदा तुहानू पता ही है अपने जो अपने चक्कर तो घूमना इदा वैसट टू ईस्ट मूव करती है। ये भी तुहानू मैं पिछली वीडियो दस के हटिया, ठीक है। सो अपनी एक्सिस के दुआले ये कितना टाइम लगती है 24 घंटे लगाती है। ओके बेटा, सो आ तुसी देख सकते हो कहता मून राइट द इक्वेटर इज़ एन इमेजनरी लाइन। आ इक्वेटर इमेजनरी लाइन है दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स। ठीक है, द प्लेन ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड इक्वेटोरियल प्लेन, प्लेन इन विच अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। वो प्लेन जिथे धरती जी सूरज के दुआले घूमती है, ठीक है, इज कॉल्ड द ऑर्बिटल प्लेन ऑफ अर्थ। उसनू असी की बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं। दीज टू प्लेन्स आर इनकलाइन टू ईच अदर एट द एंगल ऑफ कितना एंगल बनता है इतने जिहड़ी दोनों प्लेन्स 23.5 डिग्री। सो द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज इनकलाइन टू इट्स ऑर्बिटल प्लेन एट एंगल ऑफ 66.5 डिग्री। ठीक है, सो द बिगेस्ट प्लैनेट कहड़ा होंगे बेटा। द डैश इज़ द नैचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। तो दोनों क्वेश्चन सिखाने हैं। मार्स की होंगे बेटा, मार्स एक रेडिश कलर में होंगे इन ब्राउन, इट रेड कलर डू कम फ्रॉम द आयरन ऑक्साइड। रेड कलर का तो होंगे यदा क्योंकि ये कीड़ा प्रेजेंट होंगे आयरन ऑक्साइड, ये तुम पूछ सकते हो वन मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, इस करके इनू असी मार्स इज नोन एज रेड प्लैनेट। इट इज नियर वे ऑफ हाफ द साइज ऑफ अर्थ, धरती वाधा साइज हों। इट पजाज थिन एटमोसफेयर प्रेजेंट हों, थोड़ी बहुत उसे कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई गई है, नाइट्रोजन भी पाई गई है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन भी पाई गई है। इट हैज़ द टू नैचुरल सैटेलाइट्स फोबोस एंड डीमोस, ये तुम्हें पता होना चाहिए जी वन मार्क्स का क्वेश्चन। दो नैचुरल सैटेलाइट्स आ फोबोस एंड डीमोस। इट इज़ कोल्डर दैन अर्थ, धरती नाल बहुत ज़्यादा ठंडा होंगे, इन असी नेक्ड आई भी देख सकते हैं धरती तो। ऑन 5 नवंबर 2013 इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन लॉन्च फस्ट मास ऑर्बिटर मिशन। ये अपनी जीके की बुक से भी पढ़िया सीगा लास्ट टाइम 7th में, ठीक है, उन्हें एक ऑर्बि इंडियन स्पेस इसरो ने एक स्पे लॉन्च किया, ठीक है, पहला मार्स ऑर्बिटल मिशन लॉन्च किया जिन्होंने असी मंगलयान कहने। मंगलयान और मंगलयान की पिक्चर जी बेटा 2000 रुपीज़ के नोट के पिछे भी हैगी है, ठीक है, मंगलयान की पिक्चर। सो कि स्पेस सेंटर सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा तो, ठीक है, कि
सैटेलाइट यूज किया है PSLV पॉलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-25 ठीक है। ये भी थोड़ा पूछ सकते हैं कौन सा व्हीकल लॉन्च किया है यूज किया है। इट वॉज सक्सैसफुल प्लेस्ड इनटू ऑर्बिट ऑफ मार्स आफ्टर 300 दिनों में कवर किया डिस्टेंस 670 मिलियन किलोमीटर और कदों पहुंचे है 24 सितंबर में पहुंच गया। इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डू दिस इन इट्स फर्स्ट अटैम्प्ट पहला इंडिया फर्स्ट कंट्री बनया सीगा जिन्हें अपने पहले अटैम्प्ट ते फर्स्ट टाइम ही जड़ा है पहुंच गया सीगा। इस एम ऑफ दिस मिशन इज टू एक्सप्लोर एंड ऑब्जर्व मार्स सरफेस फीचर्स एदा मेन जड़ा फीचर्स की मेन काम की सीगा उत्थे इहनू पहुंचाउण दा ताकि असी उहदे सरफेस ते देख सकीए उहदे फीचर्स सानू की उत्थे मिनरल्स किहड़े मिनरल्स पाए जांदे आ सारा एटमोसफेयर किदां दा उत्थे। ओके बेटा अगे जुपीटर आता जिन्होंने बृहस्पति बोलते हैं। जुपीटर एक लार्जेस्ट प्लैनेट आ साडे सोलर सिस्टम का। मास ऑफ द जुपीटर इज 3018 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ ठीक है। और जुपीटर इज सो लार्ज अबाउट 313 अर्थ कैन बी प्लेस्ड इन साइड दिस जायंट प्लैनेट। जुपीटर सब तो वड्डा प्लैनेट आ सब तो पहली गल याद रखनी तुसी नेम द लार्जेस्ट प्लैनेट। वन मास क्वेश्चन जुपीटर इन्ना वड्डा है बेटा कि ये 1321 धरतियां समा सकदियां ठीक है। अंडरस्टूड है। तो जुपीटर हैज़ 53 नोन एंड फॉर 26 प्रोविजनल सैटेलाइट्स ये 53 नोन फॉर 26 प्रोविजनल सब तो मेन जड़ा आ वन ऑफ द जड़ा बेस्ट है इहदा सैटेलाइट मन्नेया जांदा गाइनीमेड ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम इवन इज द लार्जर दैन मरकरी नालों भी लार्जर है। द थिक एटमोसफेयर अराउंड द जुपीटर रिफ्लैक्ट्स मोर मोस्ट ऑफ सनलाइट फॉलिंग ऑन इट जिहड़ा इहदा एटमोसफेयर होना इहदे आले दुआले वो बहुत थिक आ जुपीटर दे सो ये भी सनलाइट नूं रिफ्लैक्ट करता है ठीक है। इस करके इहदा ये ब्राइट दिखाई देता है। एटमोसफेयर ऑफ जुपीटर मेनली कंसिस्ट ऑफ इहदे विच भी हाइड्रोजन हीलियम पाई जाती है। आउटर रीजन इज क्राउड लाइट होंदा जिहदे विच मीथेन पाई जाती है अमोनिया पाया जाता है। जुपीटर कैन ईजली बी सीन विद नेक्ड आइज व्हेन यू लुक फ्रॉम द पावरफुल टेलीस्कोप यू फाइंड अ बिग एंड स्पॉट ऑन द जुपीटर सरफेस ठीक है। और ये एक फेंट रिंग होंदा इहदे आले दुआले ठीक है जुपीटर ते। नैक्सट आंदा सैटर्न। सैटर्न जिहड़ा इहनू शनि भी बोलते हैं। मोस्ट हैज़ द मोस्ट विजिबल एंड ब्यूटीफुल रिंग एंड सर्कल द प्लैनेट ठीक है। हाँ देखो सो द रिंग्स आर कंपोज ऑफ आइस एंड रॉकी आ जिहड़ा सर्कल आ इहदे आले दुआले सर्कल प्रेजेंट हुंदा वो कहदा बनेगा राइस ते रॉक पार्टिकल्स का। पेल येलो कलर का हुंदा है 53 कंफर्मड एंड 9 प्रोविजन सैटेलाइट्स। सैटर्न इज द लीस्ट डेंस अमंग ऑल द प्लैनेट्स। इट डेंसिटी इज लैस दैन दैट ऑफ वाटर। इट कैन बी सीन विद द नेक्ड आई बट रिंग्स आर नॉट विजिबल विद नेक्ड आई। यूरेनस आल्सो हैज़ ए रिंग सिस्टम हुंदा। इट हैज़ 27 नैचुरल सैटेलाइट्स हुंदियां लाइक वेनस। यूरेनस आल्सो रोटेट्स फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ द यूरेनस इज दैट इट हैज़ हाईली टाइटल रोटेशनल एक्सिस। इट एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इनक्लाइन यदा जोड़ा एंगल कि बनता है। सो ये इंपॉर्टेंट नहीं है जस्ट जो चीज़ा है बेटा ये तुम्हें पता होनी चाहिए ये बारे। ओके सो नैपट्यून आएगा अगर तो बेटा नैपट्यून जोड़ा है ये भी रिंग लाइक सिस्टम होंगे। इट कैन नॉट सीन विद नेक टाइप फ्रॉम द अर्थ। वी नीड ए टेलीस्कोप टू सी इट इन द नाइट। बींग टू फार अवे फ्रॉम द सन इट इज़ वेरी कोल्ड एंड टेक्स द मैक्सिमम टाइम टू रिवॉल्व अराउंड द सन। द स्टॉर्म्स अकर एट द टाइम एट ऑल द टाइम एट द नैपट्यून। इट हैज़ अ 13 नोन सैटेलाइट्स एंड 1 प्रोविजनल सैटेलाइट ऑन 24 अगस्त 2006। नैक्सट अगर डवार्फ प्लैनेट जिन्होंने प्लूटो कहने वो 26 अगस्त 2006 इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन हैव न्यू डेफिनेशन ऑफ टर्म प्लैनेट। अकॉर्डिंग टू डिस्टैमिनेशन सेलेस्टियल बॉडी शुड मीट द फॉलोइंग कंडीशन। वो कहते हैं कि जोड़ा प्लैनेट होंगे उन्हें कुछ कंडीशनस होंगे कि असं उन्होंने प्लैनेट बोलीए ठीक है। जिदा वो मस्ट ऑर्बिट अराउंड द सन के आले दुआले घूमता होना चाहिए ठीक है। इज मस्ट हैव सफिशेंट मास सो दैट इट्स ओन ग्रैविटी कैन होल्ड इट्स इनटू नियरली स्फेरिकल शेप। यदि अपनी एक ग्रैविटी होनी चाहिए है ठीक है। अपना एक भार होना चाहिए सफिशेंट ताकि वह दैट इट्स ओन ग्रैविटी कैन होल्ड ताकि वो अपनी जी ग्रैविटी होंगी है वह होनी चाहिए वो अपने आप को पकड़ के रख सके रिवॉल्व कर सके। इट मस्ट हैव क्लीयर नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट ओला आला दुआला बिल्कुल साफ होना चाहिए। तो बट प्लूटो जोड़ा आ कुड नॉट बी कंसीडर्ड एज अ प्लैनेट
बिकॉज इट फेल्स टू मीट द लास्ट कंडीशन। ये जी लास्ट कंडीशन से ये नहीं सी उन्होंने मिल रही, इस करके सो इज नॉट क्लासिक, इस करके डवार्फ प्लैनेट कह दिया गया। ठीक है, 1930 डिस्कवर किया। यह एवरेज टैंपरेचर सरफेस ऑफ प्लूटो -230 डिग्री सेंसीयस है, 248 साल लगता एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने सन का। ठीक है, 5 सैटेलाइट्स होंगे ये, इट हैज़ 5 सैटेलाइट्स, तो 5.8 बिलियन मिलियन किलोमीटर जरा सन के नालों दूर है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन हैज़ गिवन प्लूटो ए स्पेशल प्लेस इन अवर सोलर सिस्टम बाय डिजाइनिंग डेजिग्नेटिंग डवार्फ प्लैनेट दैट ऑर्बिट फ्रॉम द सन बियॉन्ड द नेपच्यून इज प्लूटो। एरीज दैट ऑर्बिट्स आर बियॉन्ड द नेपच्यून इज प्लूटो वाइल सीरीज। ठीक है, सम अदर मैंबरस के सोलर सिस्टम एस्ट्रोइड्स आ, एस्ट्रोइड जो होंगे स्मॉल इरेगुलर बॉडीज होंगे। ठीक है, हैवनली बॉडीज जो रॉक्स मैटल्स डैट जी सन के दुआले घूमदिया हैं। ठीक है, जिदा कि सन सन के दुआले घूमते जिदा गैप नहीं होंगे, सपोज कर लो इतने मार्स मूव कर रहा, इतने जुपिटर मूव कर रहा, आ सन आले दुआले मार्स से जुपिटर। हुण इहदे विच आ जिहड़ा गैप आ बेटा, इन्हां गैप्स के विच की होंदा जिहड़े एस्ट्रोनॉट्स वगैरह इदां दे मूव करते होंगे। ओके बेटा, सो नंबर ऑफ एस्ट्रोइड्स बिटवीन मार्स एंड सो लार्ज दैट दे अपीयर ए बैल्ट इन दिस, इस करके इन्होंने इतने अपनी बैल्ट बनाई होंगी है। ठीक है, दे आर टू थियोरेटिकल थ्योरीज टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ एस्ट्रॉयड। एस्ट्रॉयड किवें बनते हैं, सम साइंटिस्ट ये सोचते हैं एस्ट्रॉयड्स आर पीसीज ऑफ मटीरियल दैट फेल टू कम टूगैदर टू फॉर्म। कुछ ये सोचते हैं कि वो एक छोटे छोटे पीसीज होंगे है। ठीक है, वो पीसीज जोड़ के प्लैनेट बनाना चाह मीन बनता होंगे, बट वो प्लैनेट नहीं बना सकते, अंडरस्टूड। सो इस करके जे प्लैनेट बनेगा तो ही सोलर सिस्टम बनेगा, तो वो जी चीज़ा फिर उन्होंने एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। सम साइंटिस्ट ये सोचते हैं एस्ट्रॉइड्स आर द पीसीज ऑफ लार्ज प्लैनेट। ठीक है, लार्ज प्लैनेट के होंगे दैट वेंट क्लोज टू जूपिटर एंड ब्रोक अप इट्स ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, जो जूपिटर के कोल जाते हैं तो वह उसका इन्नी गुरुत्वाकर्षण इन्नी शक्ति होंगी है। ठीक है, और जी ग्रैविटी होंगी वो करके वह ब्रेक हो जाते हैं। एस्ट्रॉइड कैन कीन थ्रू लार्ज टैलीस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, देयर मे बी हैज मेनी एज 1 लाख एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड कैन मेजर फ्यू मीटर्स टू 100 ऑफ किलोमीटर इन वेथ। सरफेस ऑफ एस्ट्रॉइड इज फुल ऑफ क्रेटर इंडिकेटिंग द इंपैक्ट फ्रॉम द मेट्रॉइड्स। ठीक है, नेक्स्ट टाइम द कॉमेट बेटा। कॉमेट एक स्मॉल बॉडी होंगी है, आइस से डस्ट की बनी होंगी है, डैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट। कॉमेट जनरली अपीयर एज ए ब्राइट हैड विद ए लॉन्ग टेल। एज ए कॉमेट अप्रोचेज द सन इट गेट्स हीटेड। ठीक है, ब्राइट हैड होंदा इहदा, लोंग टेल होंदी इस तरह, आ लोंग टेल आ। ठीक है, और एज ए कॉमेट अप्रोच द सन इट गेट्स हीटेड एंड लीव्स बिहाइंड ए स्ट्रीम ऑफ हॉट। जो ये सन के कोल पहुँचता, आ सन ये कोल पहुँचना, तो इन्हें की करना हीट जी प्रोड्यूस करनी शुरू कर देनी, तो यदि टेल जी एक अग मंग वो दिखाई देता हूँ सानू। ठीक है, टेल यदि अग मंग दिखाई देती है। सो ये गैसिज प्लस पार्टिकल्स होंगे, दिस अपीयर एज अ टेल ऑफ कॉमेट। अ टेल ऑफ कॉमेट ऑलवेज पॉइंट्स अवे फ्रॉम द सन। ठीक है, कॉमेट जी टेल दी कॉमेट की जी टेल होंगी है वह ऑलवेज जोड़ा अवे होंगी है सन तो। द लेंथ ऑफ द टेल इज ग्रोइंग साइज एट अप्रोच द सन। जिदा जिदा सन के कोल पहुँचता, ठीक है, वो जी वो टेल इनक्रीज करती रही है। मैनी कॉमेट्स आर नोन एज अ पीरियोडिकली, वन सच कॉमेट इज हैली कॉमेट होंगे एक। ठीक है, डेट अपीयर नियरली 76 साल बाद दिखाई देता है हैली कॉमेट। ठीक है, इट इज़ नेम्ड आफ्टर एडमंड हैली हू कैलकुलेटेड इट्स ऑर्बिट। इट वॉज लास्ट सीन 1986 दिखाई देता है, अगली बार ये है 2061-62 दिखाई देगा। ओके बेटा, तो नैक्सट आता मेट्रॉइड्स बेटा, मीटियोर्स, मेट्रॉइड्स। मेट्रॉइड्स के होंगे है, ठीक है, मेट्रॉइड्स स्मॉल रॉकी इरेगुलर हैवनली बॉडीज होंगे जिहड़ियां रिवॉल्व कर दियां सन दे द्वारे। ठीक है, साइंटिस्ट ने बिलीव्ड है मेट्रॉइड्स वर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम। जो सोलर सिस्टम बने दा मेट्रॉइड्स जिहड़े आ उदों बने सीगे। ठीक है, मीटियोर्स की होंगे वैन स्मॉल मेट्रॉइड्स, जिहड़े छोटे मेट्रॉइड्स कम वेरी क्लोज टू ए प्लैनेट, प्लैनेट के कोल होंगे सच एज अर्थ, तो जी अर्थ की जी ग्रैविटेशन करती है, पुल्स करती है, उन्होंने अपने वाल खिंचती है। हैज़ दे एंटर द अर्थ एटमोसफेयर, जो धरती के एटमोसफेयर एंटर कर जाते हैं, दे गैट हीटड, उन्होंने अग लग जाती है।
ठीक है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द एयर, हुण एयर विच भी फ्रिक्शन होती है, दे स्टार्ट बर्निंग, उन्हां नूं बिल्कुल ही वो बिल्कुल बर्न हो जाते हैं चंगी तरह, ठीक है, एंड एमिटेट इस करके वो लाइट जिहड़ी वो इनक्रीज़ करते हैं, रिलीज़ करते हैं, एज दीज बर्निंग मेट्रोइड्स फॉल्स टू अर्थ सरफेस, यू सी दम ए ब्राइट स्टिक्स ऑफ लाइट इन द स्काई, ठीक है, जो धरती के उपर गिरते हैं, ठीक है, तो वो की है एक लाइट की मांग स्काई में दिखाई देती है, मिट्योर जोड़े होंगे बर्निंग मेट्रोइड्स होंगे, हूँ समझ लग गया डिफरेंस आए बेटा इंपॉर्टेंट आए एग्जाम में पक्का होगा, मिट्योर्स तो मिट्योर्स तो मिट्रोइड्स, ठीक है, मिट्योर्स कितों बनते हैं मिट्रोइड्स तो, यह गल याद रखनी है, दैट वी सी एज अ ब्राइट स्टिक ऑफ लाइट एट फ्लैशेज फॉर अ मोमेंट अक्रॉस द स्काई, मिट्योर्स आर आलसो कॉल द शूटिंग स्टार, इन्हें शूटिंग स्टार्स भी कहते हैं, ठीक है, ऑल दो इट इज़ ए नॉट ए रियली स्टार, मिट्योर इज कॉल द शूटिंग स्टार बिकॉज वैन यू सी फ्रॉम अर्थ इट लुक्स लाइक ए स्टिक ऑफ स्टार्स स्टार लाइट शूटिंग अक्रॉस द नाइट स्काई, मिट्योर्स बर्न कंप्लीटली बिफोर दे रीच द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, धरती के सरफेस तो पहुँचने तो पहले ये सारा बर्न हो जाता होंगे मिट्योर्स, ओके बेटा, मिट्रोइड्स की होंगे हूँ, सम लार्ज मिट्रोइड्स फेल्स टू बर्न, कुछ जो लार्ज मिट्रोइड्स होंगे वो बर्न कंप्लीटली बर्न नहीं होंगे बट वो धरती के सरफेस न टकरा जाते हैं, ए मिट्रोइड दैट डज नॉट बर्न कंप्लीटली एंड एंटरिंग द अर्थ सरफेस एंड लैंड्स ऑन द अर्थ सरफेस इज नोन ए मिट्रोइड, जेडे कि चंगी तरह बर्न नहीं होंगे और धरती के सरफेस से टकरा जाते हैं उसनों असं मिट्रोइड्स बोलते हैं, सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिट्रोइड्स, ठीक है, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिट्रोइड्स मिट्योर्स एंड द मिट्रोइड्स, ये डिफरेंस है बेटा, ठीक है, ओके, मिट्योर्स मिट्रोइड्स तो बनते थे, ठीक है, तो बट जे मिट्रोइड्स वो जे सरफेस से वो गिर जाते हैं, ठीक है, मिट्रोइड्स कैन क्रिएट ए लार्ज क्रिएटर, हूँ इन्होंने क्रिएटर बनाने वो खड्डे जे लॉट ऑफ डैमेज कॉज करते हैं, ठीक है, क्रिएटर्स ऑन द अर्थ मून हैव रिजल्टड फ्रॉम द मिट्रोइड्स इट्स, हूँ जो उत्थे आ गए मिट्रोइड्स गिरते हैं मून तो असं पहला पढ़िया उत्थे भी ये क्रिएटर फाउंड करते हैं, मिट्रोइड्स साइंटिस्ट की हैल्प करते हैं इनवैसटिंग द नेचर ऑफ मैटर इन द आउटर स्पेस, सो ये हैल्प करते हैं किवें दा उत्थे दा माहौल आ एनवायरमेंट आ पार्टिकल्स किवें दे पाए जाते हैं ये सारी चीज़ें हेल्प कर दी, ओके बेटा, सो आ डिफरेंस कर लियो, मिट्योर्स बर्न्स कंप्लीटली बिफोर द रीच द सरफेस, जो मिट्योर्स वो चीज़ आ पूरी तरह बर्न हो जाता हो जो उन्हें धरती के सरफेस तक पहुँचना है, मिट्रोइड्स जोड़ा आ कंप्लीटली बर्न नहीं होंदा, ठीक है, जो धरती सरफेस से लैंड कर जाता, ओके, अगे आ जाता यूनिटिंग ऑफ बर्निंग डिस्टेंस इन यूनीवर्स में किदा असं मेजर करते हैं बेटा, डिस्टेंस इन द यूनीवर्स इज़ अ वेरी लार्ज किलोमीटर इन एक्सट्रीमली स्मॉल इनकनवीनियंट यूनिट टू एक्सप्रेस अ लार्ज डिस्टेंस, एक्सट्रीमली लार्ज डिस्टेंस बिटवीन द वेरियस एमली बॉडीज लाइक स्टार प्लैनेट्स एंड एक्सप्रेस इन अदर यूनिट इन लाइट ईयर, कहते हैं एक लाइट ईयर जो होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन वन ईयर दैट इज़ कॉल्ड 9.4 × 10⁻⁶ × 10⁻¹² किलोमीटर, वी नो दैट द स्पीड ऑफ लाइट 300,000 किलोमीटर पर सैकेंड, सो इन तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो, अल्फा सेंचुरी की होंगे नीरेस्ट स्टार टू द अर्थ, धरती के बिल्कुल क्लोज जोड़ा स्टार अपार्ट फ्रॉम द सन इट इज़ कॉल्ड अल्फा सेंचुरी, 4.3 light years अवे फ्रॉम धरती तो इन्नी दूर है, 4.3 light years, एक लाइट ईयर कि बराबर होंगे 4.9.46 × 10⁻¹², ओके, सो ये कैलकुलेट कर सकते हैं, गलैक्सीज की होंगी ग्रुप ऑफ स्टार्स में बोलते हैं, काउंटलैस स्टार्स इन द यूनीवर्स आर नॉट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट इन द स्पेस दे आर फॉर्म इन हूड क्लस्टर्स, ग्रुप के ग्रुप्स के स्टार जोड़े होंगे द लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार नेब्यूला क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस इन विच स्टार इज टूगैदर ग्रेविटी गलैक्सीज बोलते, ठीक है, कि गलैक्सीज 10^11 galaxies in the universe, ठीक है, सो कॉन्स्टलेशनस की होंगे ए वी मैनी ऑफ स्टार्स अपीयर इन ग्रुप फॉर्मिंग पैटर्न स्टार्स दैट अपीयर इन द फॉर्म ऑफ क्लोज ग्रुप्स, बिल्कुल क्लोज ग्रुप्स बनाते हैं रिकोगनाइजेबल शेप कोई ना कोई बनती इन्हों की पैटर्न बनता उन्होंने कॉन्स्टलेशन बोलते हैं, ठीक है, ईच कॉन्स्टलेशन एज अ साइन ए नेम सिग्निफाइंग एनीमल, हरेक कॉन्स्टलेशन का कोई ना कोई वह नाम रखा गया एनीमल के नाम से, ए ह्यूमन बीइंग और एनी अदर ऑब्जेक्ट पेस टू स्टैम्बल, जिद वर्ग भी वो दिखाई देता वो ग्रुप जिदा स्टार्स का कोई भी ग्रुप बनता है वो जिस की जिस एनीमल की शेप का बनता है तो उस एनीमल का वह नाम रख दिया, कॉन्स्टलेशन अपीयरस टू बी मूविंग स्काई फ्रॉम द ईस्ट टू वैसट बिकॉज अर्थ रोटेट इज ऑन एक्सिस फ्रॉम वैसट टू ईस्ट, हूँ जेडे कॉन्स्टलेशन कितों मूव करते हैं
ईस्ट टू वैसट मूव करते हैं, क्योंकि धरती जी अपने रोटे कदर मूव करती है वैसट टू ईस्ट। दिस कॉन्स्टलेशन कैन ईजीली बी रिकोगनाइज इन द नाइट स्काई, असी नाइट में असं देख सकते हैं, ठीक है। डज नॉट हैव अ स्मॉल नंबर ऑफ स्टार्स, इट कंसिस्ट्स अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, ज़्यादा ग्रुप नंबर च प्रेजेंट होंगे। सो ऑल द स्टार्स इन द कॉन्स्टलेशन आर ऑन द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, दे आर जस्ट इन द सेम लाइन इन द साइड इन द स्काई। अरसा मेजर सब तो पहला जिन्होंने ग्रेट बीयर, हूँ बीयर एक एनिमल का नाम आ, इन्हें शेप उदा की बनाई होनी है। सो इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉन्स्टलेशन दैट कैन बी सीन क्लीयरली इन समर सीजन च दिखाई देता है इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द स्काई, ठीक है, ओके। और इट इज़ आलसो नोन एज इन बिग डिपर भी बोलते हैं असं, बिकॉज द सैवन प्रोमीनेंट स्टार्स ये यूज होंगे, ओके। इन दिस कॉन्स्टलेशन दे फॉर्म द शेप ऑफ डिपर, लॉन्ग हैंडल स्पून यूज फॉर ड्राइंग आउट वाटर, दे आर द थ्री स्टार्स इन हैंडल ऑफ स्टार्स, हाँ देखो, ठीक है, इस तरह होर देखो आवली चीज़ है आड़े को ग्रेट बीयर है, तीन स्टार्स यदि टेल तो प्रेजेंट है, ठीक है। सो यह बीयर शेप स्ट्रक्चर बना ग्रुप ऑफ स्टार, इदा का कोई ना कोई इन्हें स्ट्रक्चर बनाते होंगे। सो अरसा मेजर इज आलसो कॉल्ड ग्रेट बीयर भी बोलते हैं, बिकॉज सैवन ब्राइट स्टार्स आर ऑफ अरसा मेजर अलोंग विद सैवन अदर फेंटर स्टार फॉर्म ए पैटर्न रिजेंबल ए बीयर। यदा नेम की है, इट्स इंडियन नेम इज सप्तऋषि, ये तुम्हें पता होना चाहिए, इंडियन नेम की है सप्तऋषि, ओके बेटा। सो यू कैन लोकेट द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ अरसा मेजर, ये भी देख सकते हो तुहाडा जिहड़ा पोल स्टार कित्थे प्रेजेंट। सो ये चीज़ें तुसी पढ़ लियो बेटा, ये तुहाडी पहलां भी तुसी पढ़िया हुई हैं सारियाँ, ठीक है। सो दूजे नंबर पर आ जाता बेटा अरसा माइनर आ जाता, उसकी शेप तुसी देख सकते हो आ वाली अरसा माइनर होंदा। सो इन्हूं असी लिटल डीपर भी बोलते हैं, लिटल बीयर भी, लघु सप्तऋषि भी बोलते हैं, सैवन प्रोमिनेंट स्टार्स होंदे इहदे विच, अरसा माइनर बोलते हैं, ठीक है। एट द एंड ऑफ टेल अरसा माइनर इज़ अ पोल स्टार, ये एंड ते जिहड़ा एक पोल स्टार प्रेजेंट होंदा है, ठीक है। पोल स्टार होंदा जिहनूं पोलैरिस भी बोलते हैं, जां ध्रुव तारा इंडियन नेम च बोलते हैं। नैक्सट ओरियन आ जाता अगे, जिन्हों हंटर कॉन्स्टलेशन भी बोलते हैं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कॉन्स्टलेशन इन द स्काई, इट इज़ विजिबल ड्यूरिंग द विंटर सीजन में दिखाई देता है। सैवन स्टार्स, एट ब्राइट स्टार्स होंगे, फेंट स्टार होंगे, डॉट फ्रॉम द बॉडी ऑफ हंटर। ओरियन इज आलसो कॉल्ड हंटर कॉन्स्टलेशन, यदा नाम की है इंडियन वायदा और अमेरिका, ओके। ये तीन मिडल स्टार्स होंगे जी बैल्ट बनाते, देखो एक बंदा टाइप ही है वो बैल्ट जी, तीन स्टार्स की बनती है। स्टार सीरीज दैट इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई लोकेटड ऑन द क्लोज टू ओरियन, ये क्लोज ही एक स्टार पाया जाता सीरी, वो जो ब्राइटेस्ट स्टार आ साडे सोलर सिस्टम का, ठीक है। स्कॉर्पियस विजिबल इन जुलाई अगस्त भी विजुअल होंगे, सैवन प्रोमिनेंट स्टार्स होंगे, इनू वृश्चिका भी बोलते हैं इंडियन नेम। कैसियोपिया कॉन्स्टलेशन इज विजिबल इन मंथ अक्टूबर इन नॉर्दर्न स्काई, फाइव स्टार्स होंगे इन कॉन्स्टलेशन, मतलब एक ग्रुप द बेटा बनता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स एक कोई ना कोई शेप बनाते हैं, तो वो शेप में जिड़े एनिमल ना उसकी शेप रलती है तो वह नाम दिता जाता। तुहानू तुसी ये याद रखना, इनू यदा नाम जिदा लिटल बीयर नेम अरसा माइनर का, दूसरा पहले वाला ग्रेटर बीयर है, यदा इंडियन नेम सारे दे याद करने हैं बेटा, ठीक है जी। सो ये चीज़ें तुसी कर सकते हो बेटा। नैक्सट आएंगे थोड़ी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आदि, लास्ट टॉपिक साडा आर्टिफिशियल सैटेलाइट, तुम्हें पता ही है ह्यूमन मेड होंदियां, ऑर्बिट च पाई जाए प्लेसमेंट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ के जिहड़ियां आले दुआले घूमदियां हैं, इन्हां दा कुछ स्पैसिफिक फंक्शनस भी होंदा है। जिदा पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट सी स्पुतनिक वन, ये लॉन्च किया सोवियत यूनियन ने की 1957 में। देयर मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव लॉन्च लार्ज नंबर ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, मोस्ट ऑफ दिस सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। फस्ट इंडियन सैटेलाइट कौन सी, इंडियन सैटेलाइट कौन सी है फस्ट जी, वो सी आर्यभट्ट। वैसे जो वर्ल्ड की सैटेलाइट पूछोगे वो स्पुतनिक, ओके। सो 1972 लॉन्च किए, होर सैटेलाइट इनसैट हो गई, IRS हो गई, कल्पना वन, IUSAT सैटेलाइट सीरीज, ये सारिया जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है। इन्हों का काम की है, सानू वैदर बारे फॉरकास्ट इनफॉर्मेशन देने, रेडियो का सिग्नल, टेलीविजन का सिग्नल, टेलीकम्युनिकेशन सैलफोनस वगैरह, टेलीफोन फैक्स, ये सारी चीज़ें सिग्नल जो प्रोवाइड कर दी, रिमोट सेंसिंग होती है, ठीक है। कितने कितने मिनरल्स रिसोर्सिज अंडरग्राउंड वाटर लैम पूरा मतलब कि स्ट्रक्चर बनाता है, मैप वगैरह का हेल्प करता बनाने। फिर कलैक्टिंग इनफॉर्मेशन अबाउट द प्लैनट्स की इनफॉर्मेशन कलैक्ट करने वास्ते ये सैटेलाइट यूज किए जाते हैं, जेडे आप जिन्हें भी उपर सैटेलाइट तुम भेजते हैं वो कोई ना कोई इनफॉर्मेशन किसी ना किसी काम लिए भेजे जाते हैं,
ओके जी। नैविगेशन जिहड़ी हुंदा तुसी GPS सिस्टम तुहाडे फोन च लगा होया वह हैल्प करता है, ठीक है। सो एस्ट्रोनॉमी नेशन इंडियन अवेंसेस्टर ऑब्जर्व स्काई इन द केयरफुल लॉजिकल वे, द नॉलेज ऑफ एस्ट्रोनॉमी वाज हाईली डेवलप्ड एडवांस्ड, पैसेज ऑफ सन प्लैनेट स्टार्स मूनस इन द स्काई हेल्प देम टू इन्वेंट कैलेंडर्स। पहला पुराने जमाने जो की करते होंगे सी कैलेंडर्स बनाए जाते हैं, ठीक है। पीपल ऑफन यूज दीज कैलेंडर एंड आलमनैक्स इन द डे टू डे कंडक्ट बैटर अंडरस्टैंडिंग क्लाइमेट, इस करके उस तो ही कैलेंडर तो ही रेनफॉल कदों मीह पैना, कदों सोका होना, कदों गर्मी आनी, सो इन चीज़ों का सारा वह पहला अंदाजा लगाते होंगे सी, ठीक है जी। सो ये कुछ जनरल नॉलेज है तुसी कर सकते हो। ओके बेटा, APG अब्दुल कलाम सीगा जिहड़ा कि ISRO दे नाल एसोसिएटेड सीगा, साढ़े प्रेजिडेंट सीगे APG अब्दुल कलाम। इन्होंने प्रोजेक्ट विच SLV-3 वाज द फर्स्ट इंडिजीनियर डिजाइन एंड प्रोड्यूस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इन्हें किया सीगा। कलाम वाज पॉपुलरली नोन मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ये भी तुहानू क्वेश्चन आ सकता बेटा, हू इज़ द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, APG अब्दुल कलाम, ठीक है। ही इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ फॉर्मर प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, इन्हें डैथ हुई सी 2015, ठीक है। और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन तुहानू पता होना चाहिए, इन्होंने 2015 74 इंडियन सैटेलाइट्स जी लॉन्च किए हैं, किहड़ा व्हीकल यूज़ करके, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यूज़ करके, ठीक है। तो रिसेंटली ऑन 28 मार्च 2015 इंडिया हैज़ लॉन्च IRNS-1 ID यूजिंग इन्होंने भी PSLV लॉन्च व्हीकल यूज़ किया। ओके जी, सो कि सैटेलाइट लॉन्च होंगी है बेटा, कि व्हीकल यूज़ होंगे, ये सारा कुछ तुम्हें पता होना चाहिए। सो दिस इज़ कंप्लीट योर चैप्टर, ओके बेटा। सो प्लीज़ इनू पढ़ो, जनरल नॉलेज दल बहुत सारे क्वेश्चन है जो 1 मार्क्स के सारे तुम मैं दस चुका, ठीक है, अंडरस्टूड है। कली कले टॉपिक तुम्हें क्लीयर होना चाहिए है, ओके बेटा। सो एंगल्स वगैरह जिदा दिते होंगे ये जिदा पिछे जो एंगल्स दिते आ जी इन इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सो इदा चीज़ा नहीं करनी, मीनस जो जिथे भी इंपॉर्टेंट है वो तुम्हें मैं दसी हुई है कि बेटा 1 मार्क्स का तुम्हें क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्क्स का आ सकता। ओके बेटा, सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।